चाहे कारण युद्ध हो, चाहे प्रकृति की मार हो या फिर इंसानी गलती हो, बड़ी छोटी नावें शहर जितने बड़े जहाजों को लावारिस छूटने में देर नहीं लगती। ये पूरी दुनिया का साथ छोड़कर समुद्र के पानी में अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही जहाजों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप आज भी जाकर देख सकते हैं। USS ओरिस्किनी। वैसे तो इसे माइटी ओ के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएक्स क्लास का आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे यूएस नेवी द्वारा बनाया गया था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते होते ये भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 1950 में इसे सेना में शामिल किया गया। 911 फीट लंबा, 33 नॉट्स प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकने वाला ये जहाज अपने अंदर एक समय में 2600 कर्मचारी और 103 लड़ाकू जहाजों को समेट कर रख सकता था। कोरियन वॉर में इस जहाज ने अपना खूब नाम चमकाया। 26 सालों तक अपनी सेवाएं देने के बाद इस जहाज को 1976 में सेना से रिटायर कर दिया गया। पहले इसे कबाड़ में बेचा गया और 1997 तक इसे किसी ने छुआ तक नहीं। फिर 1997 में इसमें से सभी जहरीले केमिकल्स निकालकर दोबारा लावारिस छोड़ दिया गया और 9 सालों बाद यानी कि 2006 में इसे फ्लोरिडा के तट पर डुबा दिया गया। इसे डुबाने के पीछे का मकसद था दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित चट्टान बनाना, जिसके बाद इस चट्टान का नाम द ग्रेट कैरियर रीफ रखा गया। ये चट्टान आज भी 145 फीट ऊंची है। इस चट्टान को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से डाइवर्स आते हैं। ये इस दुनिया की सबसे बेहतरीन रैग्ड साइट्स में से एक है। ओमियो। 1858 न्यूकासल इंग्लैंड में बना 605 टन वजनी ये जहाज लोहे की विशालकाय मशीन थी। इसे सिर्फ एक बार व्यापारिक यात्रा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, जिसके बाद इसे पूरी जिंदगी तारों को बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि आज भी समुद्रों में बिछी लंबी लंबी तारों में से बहुत सी तारें इसी जहाज द्वारा बिछाई गई थी। तारों को ढोने के साथ साथ ये कई बार यात्रियों को भी इधर से उधर ले जाता था। अपने जीवन काल में इस जहाज ने पोर्ट फिलिप बे में एक भयंकर हादसे को भी झेला था, जब इसने सीधा जाकर लाइट हाउस में टक्कर मारी। 1905 में हुए इस हादसे से इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि ये जहां खड़ा था वहीं इसने डूबना शुरू कर दिया। डूबने के बाद जल्दी ही इसके आसपास मिट्टी जमा हो गई, जिस वजह से इसे वापस बाहर निकालना लगभग नामुमकिन और बहुत महंगा सौदा हो गया। जल्दी ही ये जहाज मूंगा की चट्टान में तब्दील होने लगा और इस पर अनेक तरह का जीवन उपज गया। आज भी ये जहाज तट से सिर्फ 130 फीट दूर कुछ इस हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ इतना कम पानी है कि इस जहाज का कुछ हिस्सा तो आज भी पानी के बाहर आपको दिखाई दे जाएगा। अब क्योंकि इस जहाज तक लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए यहाँ साल भर गोताखोरों की भीड़ लगी रहती है। USS एरिजोना। 1910 में बनाया गया USS एरिजोना एक लड़ाकू जहाज था जिसे मुख्य रूप से 1916 से इस्तेमाल किया जाने लगा। वैसे तो इसने पहले विश्व युद्ध में किसी तरह से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस जहाज को राष्ट्रपति विल्सन को इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल जरूर किया गया था। बहुत थोड़े समय के लिए 1919 में ग्रीको टर्किश युद्ध में भी इसको जरूर उतारा गया। इसके बाद से इसे पैसिफिक फ्लीट में ड्यूटी पर लगाया गया, जहां इसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। 21 साल वहां बिताने के बाद 1940 में जापान की तरफ से हुए पर्ल हार्बर हमले में इस जहाज ने अपनी अहम भूमिका निभाई। 7 दिसंबर 1941 के दिन जापानी सेना हवाई तक पहुंच चुकी थी और वहां पहुंची सेना ने USS एरिजोना पर बे इंतहा हवाई हमले किए, जिसमें से एक बम सीधा जाकर इंजन रूम में फटा, जिसने जहाज को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर डाला। इस हमले में 1177 लोग जो कि इसी जहाज पर उस समय सवार थे, उन सभी ने अपनी जान गंवाई। उसी समय USS एरिजोना पर्ल हार्बर में डूब गया और तब से लेकर आज तक वो जहाज वहीं पड़ा हुआ है। इतने सारे लोगों का एक साथ मरना और इतना नुकसान होने की वजह से इस जगह को अमेरिका में आज भी पूजनीय माना जाता है। इस जहाज के ऊपर आज एक श्रद्धांजलि स्थल बनाया गया है, जहां लोग आते हैं, उस घटना को याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि मरे हुए लोगों को देते हैं। जरा आप भी देखिए और अंदाजा लगा कर देखिए उस समय यहाँ क्या हुआ होगा। एडवर्ड बोलेन। जहाँ ज्यादातर जहाज आज भी समुद्र के गहरे पानी में पड़े पड़े मूंगा की चट्टान बन चुके हैं, वहीं कुछ ऐसे जहाज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो इस पानी से हटकर अपनी जिंदगी कहीं और ही बिता रहे हैं। और इन सब में सबसे खास मुझे लगा एडवर्ड बोलेन, जो कि एक रेगिस्तान के बीच में पड़ा हुआ है और इसके सबसे पास का समुद्र लगभग 1 किलोमीटर दूर है। 2272 टन वजनी इस जहाज को 1891 में काम पर लगाया गया था और बहुत लंबे समय तक ये जहाज यात्रियों और सामान को अफ्रीका के अलग अलग तटों तक ढोता रहा।
सिर्फ 310 फीट लंबा ये जहाज 10.5 नॉट्स प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता था। जिस रूट पर इस जहाज को चलाया जाता था वो रूट आज भी अपने बीच में आने वाली चट्टानों के लिए बदनाम है। खैर, समय आया सितंबर 1909 का, जब बोलिन को भी उसी घटना का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर अपनी जिंदगी में हर जहाज शायद करता है। जी हाँ, बोलिन तूफान में फंसकर पानी से बाहर आ गया। उस समय ये रेगिस्तान अपना विस्तार भी कर रहा था, जिस वजह से जैसे ही वो तूफान शांत हुआ जहाज के नीचे का सारा पानी गायब होकर सिर्फ मिट्टी वहाँ बची रह गई। और तब तक ये जहाज पुराना हो चुका था, जिस वजह से किसी ने इसे फिर से पानी में उतारने की और इसे ठीक करवाने के लिए खर्चा नहीं किया। और तब से लेकर आज तक ये जहाज वहीं खड़ा हुआ अपने खत्म होने का इंतजार कर रहा है। बेशक जहां ये जहाज आज खड़ा हुआ है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप इसे असली में देखेंगे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। यहां पर आकर आप प्रकृति की शक्ति को देख या महसूस कर सकेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। MV पेनेजियोटिस 1937 स्कॉटलैंड में बना MV पेनेजियोटिस एक कार्गो जहाज था, और ये माना जाता है कि यही वो जहाज था जो पूरे यूरोप में घूमा और अलग अलग नामों से जाना गया। लेकिन आज जहां इस जहाज का कंकाल पड़ा हुआ है वो भी एक रहस्य है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रैक इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रैक है जहां पर सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं। जांचकर्ता बताते हैं कि ये जहाज स्मगलर्स के हाथों चढ़ गया था, जिसके बाद इसने इटालियन माफिया के लिए काफी लंबे समय तक काम किया। इस जहाज की सहायता से दुनिया भर में गैर कानूनी सिगरेट्स पहुंचाई गई। 1980 में इसे फिर से देखा गया जब ये एक तूफान में फंसा हुआ था, लेकिन इसी तूफान ने इसे पानी से बाहर धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। कमाल की बात यह थी कि जब ये पानी से बाहर धरती पर आया तब भी इसमें कई सौ टन सिगरेट्स की डब्बियां पड़ी हुई थी। अब इसे चलाने वाले लोग माफिया थे, जिस वजह से वो सही दिशा निर्देश पाने के लिए अधिकारियों से बात भी नहीं कर सकते थे। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मजबूरन इसे पानी से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। जब इस बात का पता सरकार को लगा कि MV फिर से देखा गया है तो सरकार ने इसकी जाँच शुरू कर दी, और इसकी चोरी करने के आरोप में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में चाहे कुछ भी हुआ हो, MV पेनेजियोटिस आज भी आइलैंड ऑफ जैकेंटोस में अपना समय बिता रहा है। हजारों लोग हर साल इसे यहाँ देखने आते हैं। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल मेरी कहानी, जिस पर आप सभी की वीडियोस आ रही हैं, आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो वो भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है टेक्निकल आर्मी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक भी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत जहाज कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।